क्वेश्चन पूछा है मैम, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड इज यूजफुल इन वेट लॉस और नॉट, एक्सप्लेन. वेरी गुड क्वेश्चन शोएब. शोएब जी ने ये पूछा है कि क्या लिनोलिक एसिड को वेट लॉस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या सच में उससे वेट लॉस होता है या नहीं. अभी रिसेंटली लिनोलिक एसिड नाम का एक सप्लीमेंट मार्केट में आया है जो बहुत ही रिगरसली मार्केट हो रहा है, सभी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे मिल रहा है. इसके साथ साथ बहुत सारे MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज भी इसको मार्केट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दवाई आप लीजिए या ये सप्लीमेंट्स लीजिए, इससे आपका वेट लॉस होगा. लेकिन क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. चलिए लिनोलिक एसिड के बारे में कुछ मैं आपको बताती हूँ. एक्चुअली एक रिसर्च हुआ था. सबसे पहले तो लिनोलिक एसिड से वेट लॉस होता है या नहीं, ये सिर्फ एनिमल्स में चेकिंग किया हुआ है, पिग्स में और रैट्स में चेक किया है, जिसमें उन्होंने देखा कि यस, उसमें मामूली सा वेट लॉस होता है. देखिए अब ह्यूमंस में इसको चेक किया, जब ह्यूमन ट्रायल्स हुए तब उसमें उन्होंने देखा कि इसमें जो वेट लॉस होता है वो बहुत ही कम परसेंटेज, 0.05% ही वेट लॉस होता है एज़ कम्पेयर टू पर्सन जो लिनोलिक एसिड का सप्लीमेंट नहीं ले रहा है. तो उसके कंपैरिजन में सिर्फ इतना ही वेट लॉस होता है. इसीलिए इसका आंसर है नहीं, इससे कोई वेट लॉस नहीं होता, जो होता है वो मामूली सा होता है. तो इट इज़ माइट एज़ वेल आप ये ना लें. अब अगर इतना भी अगर आपको वेट लॉस चाहिए लिनोलिक एसिड लेकर, तो भी ये लिनोलिक एसिड के सप्लीमेंट को आपको कम से कम 2 साल तक लेने पड़ते हैं, तभी आपके बॉडी में कुछ कुछ मिनिमम से मिनिमम चेंजेस दिखते हैं. तो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट वर्थ इट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगे सप्लीमेंट्स आते हैं. तो मेरी ये सलाह है कि इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्या लिनोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स है? येस, बहुत खतरनाक साइड इफ़ेक्ट है. सबसे पहला मेजर और डेंजरस साइड इफ़ेक्ट है वो है, ये आपके बॉडी में HDL का लेवल कम करता है. अब HDL बेसिकली एक तरह का हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल है आपके बॉडी में, और ये आपके नर्व्स के फंक्शनिंग के लिए, आपके बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग हो, मसल्स वगैरह अच्छी तरह से चले, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है. आपके ब्रेन के फंक्शन को चलने के लिए भी ये हेल्दी फैट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. लेकिन जब आप लिनोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लेते हो तो आपके बॉडी में HDL का लेवल कम होता है, और ये प्रूव किया गया है. ओके, सेकेंड मेजर साइड इफ़ेक्ट ये है लिनोलिक एसिड का कि ये कुछ पेशेंट्स में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, यानी कि लिनोलिक एसिड लेने वाले जो लोग होते हैं वो अगर ये लंबे समय तक, क्योंकि वैसे भी लिनोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स 2 ईयर्स के लिए मिनिमम लेने पड़ते हैं, तो जब ये लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रीडिस्पोज हो जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए. यानी कि ये लिनोलिक एसिड के सप्लीमेंट लेने वाले लोग को आगे चल के डायबिटीज़ होने की बहुत ज़्यादा शक्यता होती है. इसलिए इसका आंसर है नो, आप नहीं ले सकते और आपको लेना नहीं चाहिए. वेट लॉस करने के लिए इधर उधर सप्लीमेंट देखना बंद कर दीजिए. सप्लीमेंट्स आपने खरीद लिए, पैसा खर्चा कर लिया, इससे आपका वज़न कम नहीं होने वाला है. वज़न कम होने के लिए सिर्फ 2 इलाज है, और वो है डाइट कंट्रोल और दूसरा एक्सरसाइज. चाहे आप दुनिया इधर की उधर कर दो, भगवान को बुला लो, यहाँ वहाँ कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप डाइट नहीं करते और एक्सरसाइज नहीं करते, आपका वेट कम नहीं होने वाला है. ओके,